हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? तो आप में से ज़्यादातर लोगों को तो पता ही होगा कि सर्विस मीन्स क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है तो मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। उस वीडियो में मैंने बताया है कि सर्विस मीन्स क्या होता है, उसका टाइप्स कितना होता है और ईच टाइप का जो एडवांटेज डिसएडवांटेज रहता है, मैंने उस वीडियो में सब कुछ समझाया हुआ है, तो आप जाके देख सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है मटेरियल्स यूज्ड फॉर सर्विस मीन्स। तो हमारे पास दो टाइप्स के सर्विस मेंस होते हैं, एक होता है अंडरग्राउंड और एक दूसरा होता है ओवरहेड। तो इस दोनों सर्विस मेंस के इंस्टॉलेशन टाइम में आपको कौन कौन सी मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है, आज इस वीडियो में जानेंगे हम। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे ताकि आपको सब कुछ समझ आए। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आपके सामने जो डायग्राम है, जो फिगर है, वो है ओवरहेड सर्विस मेंस का। तो इसमें जो है बेसिकली क्या होता है कि दो वायर्स जो होता है, एक फेस और एक न्यूट्रल, वो जाके पॉड हेड में जाते हैं और उसके बाद पॉड हेड से निकल के आपके घर के मीटर बॉक्स तक जाता है सपोर्ट पाइप के जरिए। तो इस प्रोसेस में ये जो ओवरहेड सर्विस मेंस इंस्टॉल करते समय आपको कौन कौन सी मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है वो आज हम जानेंगे। और इसके लिए आपको चाहिए होती है टोटल 9 मटेरियल्स, जिसमें पहला नंबर पे आता है पॉट हेड, दूसरा नंबर पे ब्रेक इंसुलेटर्स और तीसरा नंबर पर है रील इंसुलेटर्स, मैसेंजर वायर, सर्विस वायर, सर्विस पाइप, मीटर बोर्ड, क्लैंप और सपोर्ट पाइप। ये 9 मटेरियल्स आपको चाहिए होती है ओवर हेड सर्विस मेंस इंस्टॉल करने के लिए। तो चलते हैं, इसमें देखते हैं। ये जो आप नंबर 1 पे देख रहे हैं, ये है पॉट हेड, जिसमें फ्यूज़ वगैरह रहता है। तो दूसरा नंबर पर है ब्रिक इंसुलेटर्स, एक यहाँ लगता है और एक यहाँ लगता है दो साइड पे। और तीसरा नंबर पर है रील इंसुलेटर्स। ये रील इंसुलेटर जो है वो दो सर्विस वायर्स को एक दूसरे से टच होने नहीं देते हैं और उसके साथ ही मैसेंजर वायर के साथ सपोर्ट के लिए भी यूज़ किया जाता है। और 4 नंबर पर है मैसेंजर वायर। ये मैसेंजर वायर जो होता है एक पोल में बांध दी जाती है और एक जो सर्विस पाइप रहती है घर के ऊपर में वहाँ पर, ताकि ये जो सर्विस वायर है वो नीचे ना आए, उसके सपोर्ट में ही रहे। ठीक है, तो उसके बाद जो 5 नंबर पर है वो है सर्विस वायर्स, सर्विस केबल्स भी बोल सकते हैं। और नंबर 6 पर जो है ये ऐसा छतरी का हैंडल जैसा दिख रहा है, ये आपका सर्विस पाइप। इससे क्या करते हैं, इसके अंदर से जो कंडक्टर होता है उसे पास किया जाता है मीटर बोर्ड तक। और 7 नंबर पर तो यही है, मीटर बॉक्स ही है। और जो 8 नंबर पर है वो है क्लैंप। और 9 नंबर पर है सपोर्ट पाइप। और ये 8 नंबर का जो क्लैंप है उसका काम है ये सपोर्ट पाइप और सर्विस पाइप को अटैच करना है। तो इतना मटेरियल्स लगता है आपको ओवरहेड सर्विस मेंस में, पॉट हेड, ब्रेक इंसुलेटर्स, रील इंसुलेटर्स, मैसेंजर वायर, सर्विस पाइप, मीटर बोर्ड, क्लैंप्स और सपोर्ट पाइप। तो आपके सामने जो ये इमेज है, एक डायग्राम है, ये है अंडरग्राउंड सर्विस मेंस का। तो इसमें हमको टोटल 7 मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है। और इतना ही नहीं, वो ये तो मेन चीज़ जो आपको चाहिए वो है, उसके अलावा भी थोड़ा मटेरियल्स लगता है, मैं आपको बता दूंगा। तो पहले हम इसको इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला नंबर पे है अंडरग्राउंड केबल्स। ये अंडरग्राउंड केबल्स क्यों यूज़ होता है कि आपका जो कंडक्टर होता है वो आपको अंडरग्राउंड से पास करना होता है, तो उसके लिए अलग से केबल होता है अंडरग्राउंड केबल। तो आप इधर देख सकते हैं, नंबर 1 में इधर लगाया हूँ। तो जो वो अंडरग्राउंड केबल होता है वो इस पाइप के अंदर यूज़ होता है। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे चलते हैं। दूसरे नंबर पे सर्विस पोल। तो सर्विस पोल जो होता है ये होता है सर्विस पोल, ये जो RCC पोल होता है यही है सर्विस पोल। तो अब
तीसरा नंबर पर है जी आई पाइप। तो आप इधर देख सकते हैं, ये 3 नंबर इधर है। तो ये जो पाइप है, यहाँ से लेकर आपके यहाँ तक जो पाइप रहता है वो रहता है जी आई पाइप। कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा आपने वो जी आई पाइप के बारे में। तो चौथा नंबर पर है क्लैंप फॉर पोल। तो आप ये देख सकते हैं, ये जो ऐसे बार जैसा दिख रहा है ये है क्लैंप्स। इसका काम क्या है कि ये जो जी आई पाइप है और आरसीसी पोल है उसको एक साथ अटैच करने के लिए क्लैंप यूज़ किया जाता है, ताकि ये इधर उधर ही लेना। ठीक है, तो 5 नंबर पर है केबल बॉक्स, उसे हम पॉट हेड भी कहते हैं, और वो है यहाँ पर। इसमें क्या होता है कि पॉट हेड के अंदर जो होता है वो फ्यूज़ वगैरह रहता है सेफ्टी के लिए। तो 6 नंबर पर है पीवीसी डबल शीट केबल, आप यहाँ देख सकते हैं। 6 नंबर, जो ये वायर्स वगैरह रहता है, ये 2 वायर्स आप जिसे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं यहाँ तक वो होता है पीवीसी डबल शीट केबल। ठीक है, तो आप 7 नंबर पर है मीटर बॉक्स। तो यहाँ करके यहाँ पर है मीटर बॉक्स। बस इतना मटेरियल्स आपको चाहिए होती है अंडरग्राउंड सर्विस मैंस के लिए। ठीक है, तो इसके अलावा जो मटेरियल्स यूज़ होते हैं वो है ब्रिक्स, ईट होते हैं ना, जो वो किस लिए है कि जब आप अंडरग्राउंड सर्विस मैंस को ग्राउंड के नीचे जो दफनाते हैं तब ईट के ऊपर रखते हैं, और उसके लिए ईट चाहिए, सीमेंट चाहिए, सैंड एक्सेट्रा। तो बस इतना ही चाहिए आपको एक अंडरग्राउंड सर्विस मेंस करवाने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मटेरियल्स के बारे में पता चल ही गया होगा कि कौन कौन से मटेरियल चाहिए होती है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। अगर आपको कोई चीज़ में भी इलेक्ट्रिकल्स इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं।